असामिक वॉच के वीडियो में हम प्राइस वे का रिव्यू करेंगे। बेसिकली प्राइस वे आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी की फैसिलिटी देता है। आप ऑन द स्पॉट पैसे देने से पहले आप इसको चेक कर लें कि आपने जो डिवाइस मंगवाई है वही है या नहीं है, या इसकी तमाम सीलिंग है या नहीं है। अगर इसकी बॉक्स की बात करें तो थर्ड क्लास बॉक्स है, लेकिन इसमें सारा बोझ आपके ही अपनी डिवाइस के बॉक्स पर ही है, लेकिन सेफ एंड साउंड पहुँच गई। ये इसका चेकलिस्ट कार्ड है, इंस्पेक्शन कार्ड है कि आप कौन कौन से चीज़ों को आप चेक कर लें अपनी डिवाइस में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जब आप अनबॉक्स करें तो उसकी एक वीडियो ज़रूर बना लें। जब वीडियो आप बनाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को कोई आपका क्लेम है, विद इन 3 डे का आप टेस्ट टाइम देते हैं आपको, अगर उसमें कोई आपका क्लेम है तो आप उसको क्लेम कर लें उसके बाद, ताकि आपको उसकी आप जो है डिवाइस उसको रिप्लेस कर दें। और ये देखें जी, ये सील्ड है, अभी मैं इसको अनसील कर लूँगी ताकि टाइम को शॉर्ट, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैं इसको अनसील कर लिया है। मैं बस इसको अब ओपन करूँगी। अगर बहुत सी ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कंपनी की तरफ से बंद हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सी वेबसाइट्स पे कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तो आपको मिल जाते हैं। और ये भी जो मॉडल है, जो गैलेक्सी टैब A8 है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो। बेसिकली इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया था। ये एक गेमिंग टैबलेट है, बहुत अच्छा टैबलेट है, अगर आप लेना चाहें अपने बच्चों के लिए, या ऑनलाइन क्लासेस आजकल होती हैं तो चलो मोबाइल्स के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आप लैपटॉप की आपको उस वक्त नहीं अवेलेबल, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। अब इसमें मुझे एक तो इसकी डिवाइस मिली और दूसरा आपको इसका चार्जर मिलेगा। हैंडफिल तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे जो सेट्स हैं उनमें नहीं होती अब, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले सैमसंग A32 ख़रीदा था तो उसमें भी हैंड फ्री नहीं थी। इतने पैसे देने के बाद हैंड फ्री ना मिले तो ज़्यादा है। चलो मैं इसको एक्टिव कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। ऑन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, इसकी रनिंग देखेंगे, इसका टच देखेंगे। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये नॉन सिम मोबाइल है, और नॉन सिम मोबाइल में इसमें सिम कार्ड डलता है लेकिन सिम नहीं डलती, इसलिए ये बच्चों के लिए बेस्ट मोबाइल है, टैबलेट है अगर आप लेना चाहें तो। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, जब मैं इस चीज़ को ले लिया फिर मुझे समझ आई कि जो डिवाइसेस में सिम कार्ड नहीं डलता उसका IMEI नंबर नहीं होता। ये IMEI नंबर सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस का होता है जिसमें सिम कार्ड डलते हैं। अब देखिए, उन्होंने जब तक ये एक्टिव होता है, हम इसके चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं। उन्होंने यही बताया हुआ है कि जी आप रिकॉर्डिंग ज़रूर बनाएं, फिर IMEI नंबर चेक कर लें, उसको फिर IMEI के थ्रू आप PTA, क्योंकि PTA से इसको रजिस्टर कर लें, ताकि आपको आने वाले वक्तों में फ्यूचर में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो, तो आप इस चीज़ को लाजमी चेक कर लें। और थोड़े से मैं इसका सेटअप मैं स्किप कर दी है, मैंने वीडियो सेटअप मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको जो इसकी मेन होम स्क्रीन है हम उसके ऊपर जाने लगे हैं। तो ये देखें जी, इसका ये जैसा एक नॉर्मल सैमसंग की वेलकमिंग स्क्रीन होती है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट वही लोग हैं, लेकिन इसमें आप ये है कि आप ऑनलाइन जो है वाईफाई के थ्रू या आपके नेट के थ्रू जितने भी एप्लीकेशन आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका कैमरा टेस्ट कर रही हूँ आपके सामने, टच बहुत अच्छा है, कैमरा टेस्ट देखे, मैंने इसको बिल्कुल भी जूम नहीं किया। और ये जो बॉक्स पर पड़ा है, सिर्फ 1 इंच का इसका डिस्टेंस था इसके मैनुअल से, और इसने कितना ज़बरदस्त जूम किया, मैंने कोई हाथ नहीं लगाया जूम के लिए, ना ही इसको फोकस किया है। अगर आप ये लेना चाहें ज़रूर लें, अगर आप प्राइस वे पे से कुछ बाय करना चाहें तो आप बंद आंखों से ख़रीदें, अच्छी वेबसाइट है, आपको बहुत से मॉडल जो आउट ऑफ स्टॉक है वो भी मिल जाएंगे रीज़नेबल प्राइसेस में, डिस्काउंटेड प्राइसेस में भी। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है सॉरी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मामा एंड किड्स विलॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।